जो कहते हैं पैसा नहीं बच रहा, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, झूठ बोल रहे हैं या रियलिटी है? हम ये भी नहीं कहेंगे, उनको झूठा नहीं कहेंगे, लेकिन उनका अनुभव की कमी होगी। सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन अब में। सर नमस्कार। नमस्कार। जो सर हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताएं, अपना नाम और अपने डेयरी फार्म का फुल एड्रेस। मैं इम्तियाज हुसैन। आपका डेयरी फार्म कहाँ पर है? रामजीपुरम बस्तीपुर। अच्छा, रायबली। छोटी घोसियाना बड़ी घोसियाना से कितनी दूर है? बड़े घोसियाना में थोड़ी दूरी है बड़े घोसियाना से। तो ये बताइए आपने डेयरी फार्म कब शुरू किया था? इसको डेयरी फार्म का काम तो हमारा पुश्तैनी है। अच्छा। हालांकि यहाँ पे हमने 4 साल पहले किया था। आपने खुद से किया? जी, अपने खुद से किया। अच्छा, पुश्तैनी है। जब आपने पढ़ाई कहाँ तक किया है? पढ़ाई आपने कहाँ तक किया है? इंटर किए हैं। इंटर किए हैं। तो जब आप डेयरी फार्मिंग के फील्ड में आए तो कितने जानवर थे घर पे? घर पे हमने तो बचपन से ही देखे हैं जानवर। फिर भी कितने जानवर थे? हमेशा 10 जानवर 12 जानवर रहते थे। 10 जानवर 12 जानवर रहते थे। तो फिर आपको कैसे लगाव हो गया डेयरी फार्मिंग में? अब वही है ना कि खून में है। खून में है लगाव हमारे। अच्छा, खून में लगाव हो गया डेयरी का। डेयरी हमारे पुश्तैनी काम है, तो इसी नाते हमको ये काम, चाहे जो काम कर ले दूसरा, उससे बेहतर, सबसे बेहतर काम यही लगता है, डेयरी का ही लगता है। डेयरी का ही। जैसे लोग बता रहे थे आपके बहुत सारे बिजनेस है, थोड़ा बिजनेस के बारे में बताइए और क्या क्या करते हैं आप? बिजनेस में हमारा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम है, हमारा फिल्टर का सप्लाई का काम है। अच्छा, गाड़ियों में फिल्टर जो लगते हैं, और PVC पैनल का जो आजकल चल रहा है मकानों में डेकोरेशन का। अच्छा, उसको भी चल रहा है सारा। तो अभी आपके पास कितने जानवर हैं? हमारे पास लगभग 50 जानवर होंगे। 50 जानवर होंगे। दूध देने वाले कितने होंगे? 45 जानवर होंगे। दूध देने वाले 45 होंगे। 45 जानवर। मुझे लगता है बच्चे अच्छे लगाए जाए तो फिर और होंगे, 50+ होंगे। हाँ, क्योंकि दो जगह है ना, हमारे घर पे भी हम रखते हैं जानवर, यहाँ भी रखते हैं। घर पे कौन कौन से जानवर रखते हैं? गाय भैंस दोनों रखते हैं। गाय भैंस दोनों रखते हैं। अच्छा, जब आपने सर डेयरी फार्मिंग शुरू किया जी, तो आपको कौन कौन सी समस्याएं आई? समस्याएं हमको कुछ नहीं आई, बस केवल व्यक्ति काम करने वालों की समस्या होती है कि काम कैसे कराएं, किससे कराएं, काम लेबर की समस्या, लेबर की समस्या होती। अच्छा, वो ऊपर वाले ने हमको दे रखा है जो भी ज्ञान, उस नाते हमने उनको भी बहुत अच्छे से रखा। जो और बाकी कोई समस्या पशु पालने में, बीमारी में, दूध में? बीमारी में क्या, हम बीमारी में डॉक्टर बुला लेते हैं तुरंत ही, जानवरों का चेकअप बराबर रूटीन होता है हमारे यहाँ। अच्छा, तो रूटीन में ऊपर चेकअप होता रहता है आपके जानवरों का? डॉक्टर हमारा हर मंथ जो है रेगुलर आता है, कंटिन्यू है जी। और उसके बाद ऐसे कोई जानवर को कोई दिक्कत होती है तो तुरंत आप डॉक्टर की टीम बुलाते हैं, के लिए डॉक्टर टीम बुलाते हैं। अच्छा, इस फार्म में कितने दूध का उत्पादन होता है? 200 लीटर होगा। 200 लीटर होता है। दूध कहाँ बेचते हैं सर? सब यही मार्केट ऐसे ही बिकता है, हमारे दरवाजे आते हैं लोग। अच्छा, सारा काउंटर से बिक जाता है? हाँ, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए आपका इतना पुराना फार्म है, तो कभी हरियाणा जाके मुर्रा भैंसे लाना ये सब आपका प्लान नहीं हुआ? आप देसी भैंसे पाले हुए? होता क्या है ना कि हमारा जो अनुभव कहता है कि हरियाणा वगैरह से जानवर यहाँ पर हमारे यहाँ इस वातावरण में नहीं चल पाते। अच्छा, फेल हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ कंटिन्यू हरा चारा की व्यवस्था होती है, तो आपके यहाँ हरे चारे की व्यवस्था ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, तो आप कैसे भैंसे और कैसी गाय रखना पसंद करते हैं? जो दूध वाला हो जानवर हमको तो वही पसंद है, बाकी सेंसिटिव ज़्यादा नाजुक जानवर रखने में हम लोगों को दिक्कतें हैं, क्योंकि उसको फिर उतनी केयरिंग उतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे इस वातावरण में। तो दूध आप जैसे बताए यहीं चला जाता है, तो भैंस का क्या रेट चला जाता है और गाय का क्या रेट चला जाता है? भैंस का रेट यहाँ का जो रायबरेली का हमारे है वो सबसे हाईएस्ट 60 रुपये है। हाईएस्ट 60 रुपये है। हाँ, इससे ज़्यादा रायबरेली बस भैंस का। हाँ, गाय का 50 रुपये। ये तो फिर बहुत सस्ता है, डेयरी से भी सस्ता है। जी हाँ। तो फिर इन समस्याओं से कुछ लड़ने के लिए आपने सोचा नहीं कुछ आगे भविष्य में करें, कुछ पैकिंग वैकिंग करके प्लान बनाए? पैकिंग वगैरह के बारे में हमने सोचा था। अब उस पर हमारा थोड़ा सा जितना व्यवसाय है उस व्यवसाय को देखते हुए कमजोरी दिख रही कि अगर हम उधर जाएंगे तो शायद ये टूट ना जाए। हाँ, मतलब आपके जितने काम है अगर उनमें इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो डिस्टर्ब ना हो जाए, और दूसरे काम वो व्यवसाय डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं ये भी ना डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए आप जितना है उतना कर रहे हो, उतने पे रोक के। अच्छा, इस समय सर कैसी कैसी समस्याएं आ रही हैं आपको डेयरी में? डेयरियों में समस्याएं यही हैं, चारा भूसा की और कुछ गाँव से मंगाना पड़ता है दाना आना, कभी कभी तो ये होता है कि हमें खुद ही जाके लाना पड़ता है, परचेज करनी पड़ती है गाँव से। अच्छा, तो समय दाने में क्या खिला रहे हैं भैंसों को? पशु आहार खिला रहे हैं, कपिला पशु आहार और भूसा, खरी, चूनी, अरहर की। अच्छा, एक पशु को कितना राशन खिलाते हैं आप?
आप पशु के दूध की क्षमता के हिसाब से हम देते हैं, फिर भी जितना दूध जिस समय है, जैसे 12 लीटर वाली है दूध दे रहा है, तो उसका राशन ज्यादा होता है, 5 से 7 किलो राशन मिलता है उसको, 5 से 7 किलो। हाँ, अगर वो कम दे रहा है दूध जिस हिसाब से, उस हिसाब से राशन भी कम कर लिया जाता है। अच्छा, तो इस समय जैसे लोगों के पास, लोग कहते हैं डेयरी इस समय बहुत खराब व्यवसाय हो गया, पैसा ऐसा नहीं बच रहा है, सब टाइम पास, ये सब कहने की बातें हैं। सही बताइए, सही ढंग से करेंगे तो बिल्कुल बचेगा, पैसा बचेगा, तरीके से करेंगे बचेगा। जो कहते हैं पैसा नहीं बच रहा, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, झूठ बोल रहे हैं या रियलिटी है? हम ये भी नहीं कहेंगे, उनको झूठा नहीं कहेंगे, लेकिन उनका अनुभव की कमी होगी, अनुभव की कमी होगी। आप थोड़ा सही बताइए, आप कितना बचा लेते हैं? क्योंकि मान लीजिए अगर आप बताएंगे तो आपको देख करके जो डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय वो विलुप्त होता जा रहा है सर। 80 से 90 हज़ार रुपये मंथली बचा, 80 से 90 हज़ार, तो एक गवर्नमेंट से ज़्यादा ही कमा रहे हैं एक फार्म से। हाँ, मेहनत कर रहे हैं तो वो नहीं, मेहनत तो कर ही रहे हैं बिल्कुल। और ये देश सेवा कहेंगे, क्योंकि दूध, अच्छा दूध उत्पादन करके लोगों को देना है, वो देश सेवा ही हो गई। अच्छा, तो क्या भविष्य का आपका प्लान है सर? भविष्य में क्या, यही हमारा प्लान है, जो हमारा व्यवसाय है उसी को मेंटेन रखना है। मेंटेन, जैसे आपका फार्म वार्म बना हुआ है कुछ, इसको और अच्छे से बनाना, जैसे सिटी के अंदर है, सिटी के अंदर आपको क्या समस्या आती है? जब तक सिटी के अंदर यही जैसे इनका गोबर वगैरह होता है, उसको लाने ले जाने के लिए बड़ी समस्या होती है, हमको बड़ा मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, वर्कर रखने पड़ते हैं इसके लिए। तो जो नए किसान साथी हैं, इस समय कह रहे हैं कि अगर डेयरी फार्म शुरू करना, मतलब हाईवे में किसी ट्रक के सामने खड़े होने के बराबर है, तो कैसे शुरू करें नया किसान, कितनी जानवरों से लेके शुरू करें? देखिए, हमने क्या कहा ना कि अनुभव सबसे ज्यादा मेन। अब हमारे क्या है, हमको अनुभव तो बचपन से मिला ना, वो बताया ना हमने, हमको पैदा ऐसी मिला। अच्छा, तो उस नाते हमको पता है ना कौन जानवर कब हमें रखना है और कब निकाल देना है। तो अनुभव की वजह से आपको कोई समस्या नहीं आई? लोग डेयरी लगाते हैं, एक साथ 20 जानवर ला के बांध दिए और उसके बाद दूध बेचना शुरू कर दिए जी। लास्ट टाइम क्या हुआ, 4 महीने बाद दूध का, भैंसों का, जानवरों का दूध कम हो गया। जब जानवरों का दूध कम होता है तो आप दोबारा जानवर नहीं ला पा, उसको मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। और शुरुआत में किसान साथी को कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? शुरुआती समय में जब कोई डेयरी फार्मिंग शुरू करता है तो उसको कैसी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को कैसे निपटे? लेबर का समस्या सबसे बड़ी होती है, मेन लेबर ही है, मेन काम लेबर का। और बीमारी कुछ बीमारी के बारे में तो देखिए, अब आज के टाइम में हर गांव कस्बे में तो सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, अच्छा मिल जाते हैं, और कोई समस्या नहीं आ रही? तो कोई समस्या नहीं, चारा भूसा की होती है, अगर देहात क्षेत्र में करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस तरह की। अच्छा, शहरों में है, शहरों में लेकिन दूध का रेट भी मिल जाता है, गांव में तो और बुरे हाल होंगे। गांव का रेट कम होता है जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी सक्सेसफुल स्टोरी हमारे चैनल फार्मिंग एजुकेशन अब यूट्यूब चैनल को बताया। थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। वेलकम।